रेगुलेटर के खराबी के कारण चढ़ने में सांस फूलता है और बहुत परेशानी हो रही है। हम महीने में एक आधी दिन तक हम बेबीज रहते हैं या ज़्यादा हैवी सामान रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और प्रेगनेंट लेडीज़ को भी दिक्कत होती है इसमें। तो उसमें एक तो हमारी इतनी ज़्यादा एनर्जी भी लॉस हो जाती है क्योंकि इतना भारी बैग होता है हमारा, उस वक्त हम इस पर चढ़ के आते हैं और अगर फिर भी वो चढ़ नहीं रहा होता है और उसमें और भी ज़्यादा एनर्जी हमारी लॉस होती है। चलेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, मजबूरी है, चलना ही पड़ेगा। Do you feel safe walking? I mean, reckless driving on the road, so that way I don't think it's safe. What is your view on driving etiquette in the city? I would not like to be a pedestrian because of the situation, because people actually don't follow any driving rules in Delhi. I mean, if they'll just see wherever they get the place and they'll just go off from there. Bhai ek baat suno, dikhane ko kuch aur hai, haqeeqat kuch aur hai, lekin hame to chalna hai na. Accelerator ho ya na ho, kyun bhai sadak bhi ho ya na ho, hame to chalna hai.